पुनर्विवाह मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। मिस्टर छाबरिया ने तो इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि ये केस वो ही जीतेंगे। आरती जी, उनके कहने से क्या होता है? देखिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। आप ही ने कहा है ना कि अच्छे इंसान पर हमेशा ईश्वर का हाथ होता है, और देखिएगा, अंश हमारे पास ही रहेगा, कोई अंश को हमसे जुदा नहीं कर पाएगा। अब एक काम करिए, एक स्माइल तो बनती है, बस आपकी ये मुस्कुराहट मेरी ताकत है आरती जी। चलिए आरती जी, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूं, बच्चे आते ही होंगे और उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है। आइए। सॉरी सिंधिया साहब, रकम बड़ी थी इसलिए तकलीफ थी, वरना घर भिजवा देता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, ये आपका चेक। थैंक यू। ये लीजिए पूरे 20 लाख रुपए। ठीक है। और सर, बस इस स्लिप पे और साइन कर दीजिए। जी। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम एनी टाइम सर। सिंधिया साहब अपना फोन भूल गए। लगता है मोबाइल मैनेजर के कैबिन में छूट गया, और प्रशांत का फोन भी आने वाला है। आरती जी की यह बात तो बिल्कुल सही है कि शहर के सबसे महंगे वकील को हायर करने के लिए प्रशांत के पास इतने पैसे कहां से आए? सिंधिया साहब चले गए क्या? वो तो बहुत देर पहले ही चले गए। चले गए? जी सर। यश जी, हाय, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। सूरज प्रताप जी अपना मोबाइल गलती से मेरे टेबल पर भूल गए थे। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा यश जी, वैसे घर पर सब ठीक तो है? जी हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि सिंधिया साहब ने अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। वैसे तो ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन पुरानी जान पहचान की वजह से मैंने पूछा। जी हाँ, सब ठीक है। आप तो जानते हैं कि बिजनेस में कैश की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी नहीं, थैंक्स। प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू, बाय। हाउजी को अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? कहीं मां के घुटनों में फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ड्राइवर गाड़ी रखो। जी सर। गाड़ी वापस बैंक ले चलो।
घर जाकर सबसे पहले मैं माँ से मिलता हूँ। वो खुद अपनी तकलीफ तो मुझे बताएंगी नहीं, ये सोचकर कि मैं परेशान हो जाऊंगा। प्रशांत का कॉल आ चुकी फोन पे। पाऊजी से क्या बात करनी होगी प्रशांत को। ये मैसेज पाऊजी के सेल पर आया, पढ़ना तो नहीं चाहिए लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं प्रशांत बाजू को किसी बात को लेकर परेशान कर रहा है। मिस्टर चावरिया से बात हो गई है, जैसे आपने कहा था वो केस लेने के लिए राजी हो गए। आप बताइए कैश कब मिलेगा मुझे, अपनी फीस एडवांस में चाहते हैं वो। इसका मतलब प्रशांत की मदद बाहुजी कर रहे हैं। इसीलिए आपकी दी हुई सजा हम दोनों ने ईमानदारी से निभाई और निभाते रहेंगे बाबूजी, क्योंकि यह हमारा प्रायश्चित है। आपका नाराज होना, आपका सजा देना बिल्कुल सही है बाबूजी। आपने गलत किया, आप प्रशांत का साथ दे रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं आप अपने बेटे के साथ बाबूजी। आप उस इंसान का साथ दे रहे हैं जो गलत है, ये जानते हुए भी कि वो हमारे अंश को हमसे दूर कर लेगा। क्यों बाबूजी आपने ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। जब आरती ये दुख सहेगी तब पता चलेगा उसे ये औलाद से दूर रहना मां बाप के लिए कितना दुखदाई होता है। अपने बेटे की याद में रोती हुई एक मां को वादा देकर आया हूं मैं, उसे उसका बेटा वापस ला कर दूंगा। साम दाम दंड भेद चाहे किसी का भी सहारा क्यों ना लेना पड़े। और इसमें बुरा भी क्या है यश, तुम भी तो अपने बेटे अंश को अपने पास रखने के लिए जी जान लगा रहे हैं। मैं भी अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक गलत आदमी का साथ लेकर ही मुझे अपना बेटा वापस मिलता है तो यही सही। तुम्हारी और मेरी लड़ाई एक ही है यश,
और मकसद भी एक ही है, अपने बेटे को पाने का। फिर इस धर्म युद्ध में मैं गलत और तुम सही, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं सच्चाई का साथ दे रहा हूं भाऊजी, और आप अपने भाऊजी गलत रास्ता चुना है। एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हैं आप जो झूठा है, जो मक्कार है, जो अपने सगे मां बाप का साथ ना दे सका, वो अपने बेटे का क्या साथ देगा? ये बात तुम कह रहे हो अभियश, तुम भी तो अपने बाबूजी के खिलाफ हो ना यश। पर रही बात सही या गलत रास्ते की, तो इस वक्त मेरा लक्ष्य सिर्फ जीत है, और वो कौन सा रास्ता कौन सा तरीका अपना कर मिलती है ये बात कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। तो ठीक है बाबूजी, तो आप भी सुन लीजिए, मैं सच्चाई का ही साथ दूंगा और जीत भी सच्चाई की ही होगी। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर। अगर तुम भी जानते हो, सूरज प्रताप संध्या ने आज तक जो भी करने की ठानी है उसमें सफलता पाई है। खैर, कल कोर्ट में फैसला है, इस धर्म युद्ध में कौन सही है कौन गलत सबको पता चल जाएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ आरती जी, तब से मैं ये गेम खेल रहा हूं लेकिन पूरा कर ही नहीं पा रहा हूं। जैसे ही लगता है कि मैं जीत गया वैसे ही चैलेंज और बढ़ जाती है। आज तो लगता है कि इस गेम ने ठान लिया है कि ये पूरा नहीं होगा। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इस गेम में हार गए तो अंश की कस्टडी में भी आपको हार मिलेगी? अच्छा यश जी, जब मेरी आपसे शादी होने वाली थी उसकी एक रात पहले मैं भी बहुत परेशान थी, बहुत स्ट्रेस्ड। और इत्तेफाक की बात है कि मैं भी यही गेम खेल रही थी। तो फिर आप जीत पाई थी?
मैं अपने बेटे अंश को इस दुनिया के बेस्ट पापा देने में कामयाब रही। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आरती जी, मुझसे ये क्यों पूरा क्यों नहीं हो रहा? कहीं मेरी कोशिशों में कोई कमी तो नहीं रह गई? आपने कभी भी किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी है। आज तक आपने जो कुछ भी किया है उसमें अपना 100% दिया है। कभी भी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होने दी। पापा, आप अभी तक सोए नहीं? बस बेटा एक मिनट, अभी ये बस एक बार गेम पूरा हो जाए मैं सो जाऊंगा, आप सो जाओ। क्या खेल रहे हो पापा? पापा देखो ना क्या। एक मिनट अंश। अरे अंश, आपने तो ये गेम पूरा कर दिया। अब तो आपको यकीन हो गया ना ऐशी कि सब कुछ इसी गेम की तरफ परफेक्ट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लाइट तो जला लेता प्रशांत, कहीं अंधेरे में तुझे ठोकर लग जाती तो। आप अभी तक सोई नहीं? जिस मां के तेरे जैसी औलाद हो चैन की नींद कैसे सो सकता है प्रशांत? तुझे क्या लगता है अदालत जाने से अंश तुझे वापस मिल जाएगा और आरती उसके पीछे पीछे चली आएगी? यही सोचकर तूने ये कदम उठाया था ना प्रशांत? अरे गलत सोच रही हैं आप, हमेशा की तरह गलत समझ रही हैं मुझे। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा चाहिए अंश, उस आरती से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तू सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है प्रशांत, लेकिन मेरी नहीं। मां हूं मैं तेरी, जन्म दिया है, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। आरती को अपनी जिंदगी में वापस लाने का सपना देख रहा है ना तू प्रशांत? लेकिन तुझे शायद याद नहीं है, आरती का साथ पाने की कोशिश तू पहले भी कर चुका है और औंधे मुंह गिरा है। अरे याद है, सब कुछ याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। और आपके चेहरे पे आई वो खुशी भी याद है जो आज तक मेरी आंखों में चुभ रही है। लेकिन नहीं मां, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मायूसी मुझे नहीं आपको होगी। और देख लेना, उस आरती को मजबूरन मेरे पास आना पड़ेगा। और आए भी क्यों नहीं? अरे आखिर है क्या उस यश सिंधिया के पास? हर चीज में उससे बेहतर हूं मैं। और हां सबसे बड़ी बात, मैंने आरती को बेटा दिया है, बेटा। और वो यश औलाद के नाम पर दो बेटियां हैं उसकी। पागल हो गया है तू, दिमाग खराब हो गया है तेरा। अपने आप को मर्द कहता है तू? तुझे इस दुनिया में लाने वाली भी एक औरत है, और जिस बेटे का नाम लेकर तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, उसे भी आरती नाम की एक औरत ही इस दुनिया में लेकर आई है। अब बस। अरे जा, तू यश जी के साथ अपनी तुलना करना चाहता है ना? अरे तू तो उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं है प्रशांत। बस तू ना तो एक अच्छा बेटा बन पाया, ना एक अच्छा पति, और ना ही लायक पिता। अरे तू तो इंसान बनने के लायक ही नहीं है प्रशांत, इतना गिर चुका है तू। तुझे शर्म नहीं आती है प्रशांत? जरा सा तो सोच। अरे मनीषा बस, बुरी लगी ना मेरी बात? तुझे क्या लगता है ऐसा करने से तू मुझे चुप करवा देगा? नहीं प्रशांत, मां होने के नाते मैं एक बार फिर से तुझे कह रही हूं और आखिरी बार समझा रही हूं कि ये कोर्ट केस वापस ले ले, वरना तुझे ही पछताना पड़ेगा। हां प्रशांत, ना तो आरती तुझे वापस मिलने वाली है और ना ही अंश, समझ ले मेरी बात। तू मेरी मां नहीं है, मेरी दुश्मन है तू। जाइए उस यश के पास। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। अब
तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता प्रशांत, कोई नहीं।